स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम रेसिडेंशियल स्कूल, एडमिशन ओपन, दिल्ली पब्लिक स्कूल टाटेगंज, एडमिशन ओपन। अब 2 रुपए सस्ता डीजल, ग्रीन इंडिया बायो डीजल, जोरकट फैशन मॉल, 1500 तक का कोई भी जींस मात्र 600 में, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। आज जब बातें निकल पड़ी हैं जरूरतमंदों की, असहायों की पहचान की, जब बातें निकल चुकी हैं सेवा समर्पण संकल्प की, तो बातों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। और इस सिलसिले को हम वहाँ लेकर पहुँचे हैं जो हमेशा सेवा को और संस्कार को हमेशा प्राथमिकता देते हैं और अपने कार्यों के बदौलत उसे प्रासंगिक बनाते हैं, हर किसी के लिए अनुकरणीय है। नाम है माटी कला बोर्ड झारखंड सरकार के सदस्य सह संत मरियम आवासीय विद्यालय के निदेशक, या कहें मेदनगर नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर और सामाजिक सांगठनिक राजनीतिक एक बड़ा युवा चेहरा, हम तो कहते हैं पलामू के विवेकानंद, लेकिन इन सब के बीच तालाबंदी का दौर, और इस दौर में क्या सामने है आज हम हर दिन देख रहे हैं, तस्वीरें आ रही है कि शाम में जैसे ही रात ढलने की होती है तब तक किसी न किसी बस्ती आप पहुंचते हैं, बांटते हैं राशन, किस रूप में और किन तक पहुंचने की कोशिश है आपकी? धन्यवाद आपको। जो इस लॉकडाउन में ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जहां बहुत ही आवश्यकता है लोगों को, आपदा मित्र उपायुक्त महोदय के द्वारा बनाया गया है, उसके माध्यम से जो दान दाता हैं, जो अन्न दान करते हैं, जो मदद करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि पैकेट लेकर जाएं और वहां तक पहुंचे। जो बिल्कुल बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं वहां हम लोग पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है आज ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुंच पा रहा है, महसूस कर पा रहे हैं? हमारे अनुसार से तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक सरकार भी पहुँचाने का काम कर रही है, चाहे हेमंत सरकार हो, प्रधानमंत्री जी हों, या पलामू जिला के डीसी महोदय हों, एसपी सर हों, तमाम लोग, शासन प्रशासन के तमाम लोग एक एक कोशिश करें कि घर नहीं बचे जो भूख से बेहाल हो, एक एक घर में भोजन पहुँचे, चाहे वो सूखा भोजन हो, खाद्य सामग्री हो। अभी तो डी सर के पहल पर बना कर भी मिल रहा है, थाने भी मिल रहा है, लेकिन कोई छूट भी जा रहे हैं। इसके बाद भी नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवक या जो बहुत समाज सभी लोग हैं जो घूम रहे हैं वो खोज खोज कर भी दे रहे हैं। हम सब का आभारी है कि तमाम युवा लगे हुए हैं। ज़रूरतमंदों की आप पहचान कैसे करते हैं? ज़रूरतमंदों की पहचान हम लोग करते हैं कि वहाँ गाँव में जाते हैं तो मुखिया से ही बात करते हैं और मुखिया से पूछते भी कि आपको जो सरकार दी है पैसा, पैसे को क्या करते आप हैं। अगर गांव में लोग बोलते हैं कि नहीं बटा है तो हम लोग नोट कर लेते हैं नाम को कि नहीं बटा है उसमें, और जिनको देते हैं उनका लोग टिक लगा लेते हैं कि इनको हम लोग दिए हैं, चूँकि कल किसी भी तरह का बात हो तो लगे कि हम लोग वहाँ सही जगह तक पहुँचे हैं और दिए हम लोग हैं। बिना चिन्हित करके हम लोग नहीं देते हैं कि लोग ले ही रहे हैं, एक ही व्यक्ति ले रहा हो और कोई व्यक्ति नहीं ले पा रहा हो, सही व्यक्ति तक मैंने खाद्य सामग्री पहुँचे, ये हमारा प्रयास रहता है, ये डीसी महोदय का प्रयास रहता है, हम लोग कोशिश हम लोग करते हैं। कई ऐसे परिवार हैं, लोअर मिडिल क्लास के या मिडिल क्लास के कई ऐसे परिवार हैं जिन शायद उन तक पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। अब चूँकि जहाँ स्थितियाँ गंभीर होती जा रही हैं, लॉकडाउन का समय है जिस तरह से अंतिम दौर में आ गया है, उम्मीद की जा रही है कि बढ़ सकता है, ऐसे में उन तक पहुँचने के लिए क्या लगता है कि उन तक पहुँचना ज़रूरी है या उनके लिए चिंता करने की ज़रूरत है शासन प्रशासन तमाम संस्थाओं को जो कई इस मामले में काम कर रहे हैं? देखिए, मिडिल परिवार के लोग को तो दिक्कत हो रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं जी। अब लाचारी ये हो जा रहा है कि वो उनका भी मान सम्मान प्रतिष्ठा है, स्वाभिमान है, अब उनके पास पहुंचने के लिए रास्ता एक ही है कि उनसे भी कांटेक्ट किया जाए और उनको भी आगे आना होगा और कोशिश करना होगा उनको, अगर सामने से ना हो सके तो उनको भीतरी दरवाज़ा देना पड़ेगा ताकि वही मेरे साथी है, वही मेरे परिवार है। बहुत सारे लोग नहीं कह पा रहे हैं कि मेरे पास ये दिक्कत है, लेकिन अब दिक्कत तो उनको समझना होगा, महसूस करना होगा, क्योंकि माँ जिस तरह समझती है कि बेटे का दर्द क्या है बिना बताए भी, तो समाज से भी हैं जो लोग
बांट रहे हैं, उनको ये बात को समझना होगा, एक भूमिका और निभानी होगी उनको, और बिना कैमरे बिना फोटो बिना मोबाइल का भी उन तक जाना होगा, और नहीं लेंगे तब वो उनके दर्द को समझकर दृढ़ कर आना पड़ेगा कि भैया ये मेरे तरफ से छोटा सा उपहार है, इसको रखिए, और जो कि आप मुस्कुराएंगे तभी हम सब मुस्कुराएंगे। इस मुस्कान की दरकार असाई, इस मुस्कुराहट की चर्चा हमेशा अविनाश देव करते हैं, और यही वजह है कि इनके चेहरे पर हमेशा वही मुस्कान दिखती है, वो संतुष्टि का भाव दिखता है। लेकिन इन सब के बीच बातें लॉकडाउन की, कोरोना की, कोरोना के इस अघोषित जंग को जीतना है, अब जिन लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्या लगता है कि किस प्लान के तहत या किस रूप में लोगों को, और कैसे लोगों का संपर्क आपसे करते हैं, कैसे लोग संपर्क करते हैं? देखिए, कोरोना एक जिस तरह से ये पूरी दुनिया में महामारी का प्रकोप जो लिए हुए है, और इसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग देखते हैं, अभी तो कुछ सोशल मीडिया पर बंद हुआ है, ये बीमारी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर है, ये न अमीरी न गरीबी, न छोटा न बड़ा, क्योंकि अगर देश के किसी के राष्ट्रपति को हो सकता है, उसी देश के भिखारी को भी हो सकता है। इसलिए इसमें हम लोग ये जरूर पहले दिमाग से निकाल दें कोई जाति धर्म फैला रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं जरूर कहना चाहता आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये भारत सहिष्णुता देश है, भारत संप्रभुता है, एकता अखंडता बनाए रखता है। प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं सर्वधर्म संभव, इस तरह से जो नीति है सभी लोग को मिलकर इसको हराना है, अमीर गरीब, क्या ऊंच क्या नीच, क्या जाति क्या धर्म क्या संप्रदाय, सब लोग ठान लेंगे जिस दिन, 24 घंटा में लगता है कोरोना भाग जाएगा भारत से, उनको पता है, ठानने की ज़रूरत है, और लोग 14 दिन से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और आगे भी लोग करेंगे, चूँकि प्रधानमंत्री जी कहे हैं कि जान है तभी जहान है, जान है तभी फैक्ट्री है, जान है तभी स्कूल है, जान है तभी सब कुछ है, जब हम ही नहीं होंगे तो सब कुछ होकर ही क्या होगा, हिंदुस्तान में लोग हैं तभी हिंदुस्तान है। अच्छा, ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर में जो लोग मास्क को लेकर के, ग्लव्स को लेकर, सैनिटाइजर को लेकर, हाथ धोने को लेकर सजग थे, अब धीरे धीरे लापरवाह होते जा रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो हमेशा बोला हूँ और मैं सभी से हाथ जोड़कर अपील भी करता हूँ कि तमाम जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हों, जो धर्म को मानते हों, मैं इतना कहूँगा कि आप हैंड वॉश कीजिए, प्लीज़ हैंड वॉश कीजिए, आप हाथ धोइए, आप गर्म पानी पीजिए, आप स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, तभी हमारा देश पुनः विश्वगुरु होगा, तो जरूर हम कामना करते हैं सभी से। अविनाश जी का ये बातें अगर आप कभी इनके हॉस्टल आइएगा तो शायद सबसे आसानी से समझ पाइएगा, जिन चीज़ों को ये अपने दिनचर्या में अपने बच्चों के बीच सिखाने में जो समय गुजार रहे हैं, और शायद उसी की दरकार है कि कोरोना के खिलाफ जंग को आसानी से जीतने में एक योद्धा एक जाबाजी की भूमिका अदा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब इन लोगों से बातें और इन लोगों का अपील हम आपको जरूर सुना रहे हैं कि खुद से नहीं मानेंगे, इन लोगों का तो थोड़ा बहुत बात सुनेंगे ना, सुनिए ज़रूर, क्योंकि यही हैं हमारे पलामू के कर्णधार, जो हर रूप में आपके लिए हमारे लिए खड़े रहते हैं, इनकी बातें सुनेंगे तो शायद समझ जाएंगे, बाकी तो शासन प्रशासन की बातें और निर्देश का कितना पालन आप कर रहे हैं ये तो आपका ही दिल जानता है। विशेष सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज़, क्योंकि हमारी बातें आपके हित के लिए होती है, सच का हम सामना करते हैं और बनते हैं आपकी आवाज़, इसीलिए कैपिटल न्यूज़ कहलाता है स्वतंत्र निर्भीक और निष्पक्ष।